नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरो का चैनल पर। आज हम करेंगे धीरेंद्र वर्मा द्वारा संपादित सूरदास की रचना सूर सागर में संकलित विनय तथा भक्ति के पदों की व्याख्या हम करेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये जो हम खंड कर रहे हैं उसका नाम है विनय तथा भक्ति। इसका जो उपखंड है वो है भावी। कुछ उपखंडों की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो खंड कौन सा है, उसका नाम है भावी। भावी का मतलब भविष्य में होने वाली, जो निश्चित है, उसी के बारे में यहाँ पर सूरदास ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। वो क्या कहते हैं कि करी गोपाल की सब होई। अपने मन को संबोधन कर रहे हैं कि हे मेरे मन। देखिए, मन जो है वो चिंताग्रस्त रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, यानी अलग अलग प्रश्नों से मन घिरा रहता है। ऐसे में अपने मन को समझाते हुए सूरदास जी कहते हैं कि करी गोपाल की सब होई। जो गोपाल यानी हरि करेंगे, कृष्ण करेंगे, वही सब कुछ होना निश्चित है। जो अपनी पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। जो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ मानकर अभिमान करता है, यानी अपने ये मानता है कि मैंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया इसीलिए मुझे ये फल मिला, ये इस तरह का अगर उसके मन में अभिमान है तो वो अति झूठा है। वो अपने आप से बहुत बड़ा झूठ कह रहा है, लेकिन उसके वश में कुछ भी नहीं होता। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल ये सब डारो धोई। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि यदि तुम्हें साधन का, मंत्र का, जंत्र का, उद्यम यानी परिश्रम का और अपने बल का तुम्हें भरोसा है तो ये सब डाल दो, ये सब व्यर्थ है, बेकार है। जो कुछ लिखी राखी नंद नंदन। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है मेटी सके नहीं कोई, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। यहाँ पर भाग्य प्रधान विचारधारा की अभिव्यक्ति की गई है। कर्म की बजाय भाग्य को ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया है। दुख सुख लाभ अलाभ समझी तुम कतही मरतहो रोई। कि दुख सुख तुम्हारे जीवन में क्या सुख है, क्या दुख है, लाभ हानि, ये सब तुम विचार करके कतही क्यों मरते हो रो रो कर। कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दुख सुख लाभ हानि के बारे में तुम विचार करते हो और फिर कहीं ना कहीं तुम्हें दुख होता है, तुम रोते हो, पश्चाताप करते हो, ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। सूरदास जी कहते हैं स्वामी करुणा में श्याम चरण मन पोई। ये कहते हैं कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात तुम्हारे भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है, दयावान है, करुणा में हैं। तुम उनके चरणों में अपने मन को पो यानी मन को लगा लो। जब कृष्ण के चरणों में मन लग जाएगा तो भगवान का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें दुख सुख लाभ हानि से होने वाली जो चिंता है ये समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो कुछ होना है वो पहले से भावी है, वो निश्चित है, वो सब कुछ तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है और उस विधाता का लिखा हुआ कोई भी मिटा नहीं सकता, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। प्रसाद गुण और शांत रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, वक्रुक्ति है यहाँ पर, वक्र की उक्ति। वक्रुक्ति यानी अपनी बात को घुमा फिराकर या वक्र उक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना। इसके साथ साथ गीति काव्य की सभी विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं इसी में भावी काहू सो न टरे। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भावी यानी जो भविष्य में होने वाला है, काहू सो किसी से भी नहीं टरे टलती है। जो भावी है, जो होनी है, वो होकर रहती है, वो कभी भी टलती नहीं है। कहें वह राहु कहाँ वह रवि शशि आनी संजोग परे। कि कहाँ तो वो राहु और कहाँ वो रवि और शशि, कहाँ वो चंद्रमा और सूर्य,
यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि सूर्य और चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, जबकि राहु क्या है, असुर है। राहु असुर है, लेकिन एक समय ऐसा संयोग बनता है, ऐसा संयोग होता है ग्रह नक्षत्रों का कि वही राहु आकर सूर्य और चंद्रमा को ग्रास कर लेता है। उसको देखिए, यहाँ पर जो प्रकृति का एक क्रम है जिसमें सूर्य और चंद्रमा ग्रहित हो जाते हैं, या इन दोनों को जब ग्रहण लगता है, उसी स्थिति की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। और ये मानते हैं कि जो राहु है वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसको अपना ग्रास बना लेता है, इसी कारण ग्रहण होता है। यानी एक तुच्छ सा जो ग्रह इन्होंने माना है, या असुर प्रवृत्ति का जो ग्रह माना है, वो इतने बड़े विशाल रवि और शशि को भी ग्रहण कर लेता है या ग्रास कर लेता है। उसका ये किस कारण होता है? संयोग के कारण होता है, भावी के कारण होता है। मुनि वशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी। मुनि वशिष्ठ कौन हैं? जो रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राम के दरबार में मुनि वशिष्ठ हैं, दशरथ के दरबार में कह सकते हैं कि मुनि वशिष्ठ हैं, वो बहुत ज्ञानी और विद्वान हैं। रची पची लगन धरे, उन्होंने सोच विचार करके, रची पची यानी सोच विचार करके, विमर्श करके ही लगन किसका रखा था? राम के राज्य अभिषेक का शुभ मुहूर्त निश्चित किया था। तात मरण, लेकिन क्या वैसा हो पाया? हुआ क्या? तात मरण, पिता मर गए, सिए हरण, सीता का हरण हुआ। राम वन में बपू धरी विपत्ति भरे, राम वन में वनवासी का शरीर धारण किया या वस्त्र धारण किए, और अनेक विपत्तियों का उनको सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी किस्मत में ये पहले से भावी था, ये निश्चित था। रावण जीती कोटि 3300, त्रिभुवन राज करे, रावणों को जीत लिया। यहाँ पर ये कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को, रावण को तो जीता, कोटि 3300 33 करोड़ देवी देवताओं को भी जीत लिया, त्रिभुवन और तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित किया। मृत्यु ही बांधी कूप में राखे, भावी वस सो मरो, मृत्यु को बांध कर कुएं में डाल दिया था, परंतु भावी के वशीभूत होकर उसे मरना ही पड़ा था। तो यहाँ पर श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु का चित्रण किया गया है कि उनके पिता की मृत्यु निश्चित थी, सीता हरण निश्चित था, राम वनवासी बनकर भयंकर कष्टों का सामना उनको करना पड़ा था। तो ये घटनाएं क्या बताती है कि भाग्य में जो निश्चित है वो होना ही था। इसके बाद रावण की चर्चा यहाँ पर की गई है कि रावण जीती, रावण जिसने जीत लिया, किसको? 33 करोड़ देवी देवताओं पर जिसने अपना अधिकार जमा लिया था, रावण, तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम किया था, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। जिसने ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी मृत्यु को भी वश में कर लिया था, उसकी मृत्यु को बांध कर उसने कुएं में रखा, लेकिन वो भी होनी के वशीभूत होकर मारा गया। राम के द्वारा उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। तो यहाँ अंतिम जो पंक्तियाँ हैं दोनों, यहाँ पर रावण के बारे में बताया गया है, उससे पहले राम के बारे में अभिव्यक्ति हुई है। आगे क्या कहते हैं? अर्जुन के हरि हुते सारथी, सोउ बन निकरे। अर्जुन जो एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे, उनको भी वनवास में जाना पड़ा था। सोउ यानी उनको भी वन में निकलना पड़ा था, अर्थात पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा था। द्रुपद सुता को राजसभा दुशासन चीर हरे, द्रुपद की पुत्री कौन? द्रौपदी। जो द्रुपद स्वयं एक शक्तिशाली राजा थे, द्रौपदी जो स्वयं एक तेजस्वी युवती थी और 5 पांडवों की अर्धांगिनी थी या पत्नी थी, उसका भी दुशासन के द्वारा चीरहरण किया गया। तो ये किसके द्वारा निश्चित था? ये भावी या होनी के द्वारा, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। हरिचंद सो को जगदाता, सो घर नीच भरे। हरिचंद जिसको संसार जानता है, किसके माध्यम से? सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो कि जग को देने वाले थे, बहुत बड़े दानी थे, उनको भी
नीच के घर में, नीच यानी निम्न जाति के व्यक्ति के घर में पानी भरना पड़ा था। जो ग्रह छाड़ी देश बहु धावे, तऊ वह संग फिरे। भावी हमेशा व्यक्ति के साथ है। अगर वो अपना घर छोड़कर दूसरे देश में भी भाग जाता है, बहु धावे, धावे का मतलब भागना या जाना, तब भी वह उसका साथ नहीं छोड़ती। यानी उसकी तकदीर में जो लिखा हुआ है वो निश्चित है। स्थान परिवर्तन करने से भी उसमें बदलाव नहीं होगा। भावी कैसंग बस तीन लोक हैं, सुर नर देह धरे। भावी के बस में तीनों लोक हैं, चाहे सुर का सुर हो या नर वेश में नर का देह धारण कर ले या मानव के रूप में जन्म ले, उसके जो निश्चित है किस्मत में या तकदीर में जो लिखा है, भावी जो भगवान ने निश्चित कर दिया है, वो होना ही होना है। सूरदास प्रभु रची तू है, को करी सोच मरे। सूरदास जी कहते हैं कि रचियता तुम ही हो। अपने मन को समझाते हैं कि तुम्हारी किस्मत रचने वाले भगवान ही है। उन्होंने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है या तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह होकर ही रहेगा। को करी सोच मरे, फिर क्यों तुम करके मर रहे हो? क्या सोच कि तुम बार बार किस चिंता में मरे जा रहे हो? तुम्हें भविष्य की चिंता करने की या अपने जीवन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में या तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं प्रभु के द्वारा निश्चित कर दी गई हैं वही होंगी, और उनसे भागने का भी कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। स्थान परिवर्तन होने से घटनाओं में होने वाला कोई भी बदलाव नहीं होगा। घटनाएं जो निश्चित है वो होकर ही रहेंगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो शब्द चयन किया गया है पौराणिक पात्रों, जिसमें श्री राम, रावण, द्रौपदी, अर्जुन, हरिश्चंद्र आदि के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, कि उनकी किस्मत में जो विधाता ने लिख दिया था वो निश्चित था और होकर ही रहा था। शांत रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर हुआ है। गीति काव्य की सभी विशेषताएं हैं, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। शैली कौन सी है? वर्णात्मक शैली का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।